फाइट और टाइट होती जा रही है। इस बार चुनावों में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर है उनमें से एक है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट। इस सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार में तगड़ी फाइट है। दिल्ली में मनोज तिवारी बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार हैं जिनको दोबारा मौका मिला है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने टिकट बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी ही ऐसे हैं जो साल 2014 से अभी तक लगातार 2 बार सांसद हैं और तीसरी बार मौका भी मिल गया है। वहीं कभी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर विवादों में आए कन्हैया कुमार को पहली बार कांग्रेस ने दिल्ली में मुकाबला करने के लिए उतारा है। दोनों कैंडिडेट की प्रॉपर्टी की डिटेल भी सामने आ गई है। ये डिटेल सामने आने के बाद इस पर भी डिस्कशन जारी है। दोनों की प्रॉपर्टी में जमीन आसमान सा अंतर दिखाई देता है। पहले बात करते हैं मनोज तिवारी की प्रॉपर्टी की। दिल्ली के प्रत्याशियों में मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशियों में शुमार है। उनके पास 28 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति है। मनोज तिवारी के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी मासिक आय करीब 4,25,000 रुपए है। उन्होंने अपनी आय का जरिया सांसदी के अलावा गाना, एक्टिंग और मॉडलिंग भी बताया है। साल 2019 में भी उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी प्रॉपर्टी 24 करोड़ 28 लाख 17 हजार 31 रुपए बताई थी। यानी अब उनकी प्रॉपर्टी 5 साल में करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। साल 2019 में उन्होंने बताया था कि उन पर 1 करोड़ 36 लाख 18 हजार 755 रुपए का कर्ज भी है। इस बार भी उनके ऊपर अच्छा खासा कर्ज है। मनोज तिवारी के पास साल 2019 में 8 करोड़ 64 लाख 11 हजार 31 रुपए की चल संपत्ति थी तो 15 करोड़ 76 लाख 56 हजार रुपए की अचल संपत्ति। इस बार उनकी अचल संपत्ति 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है, यानी इसमें 4 करोड़ की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं कारों की बात करें तो उनके पास 5 कारें, एक मर्सिडीज बेंज E280, एक इनोवा, एक ऑडी Q7, एक होंडा सिटी और एक फॉर्चूनर है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार की कुल संपत्ति 10,65,000 रुपए है। कन्हैया के पास न तो कोई कर्ज है, न ही कोई ज्वेलरी और न ही कोई कार। उनके पास कोई भी FD नहीं है, न ही उन्होंने शेयर बाजार में कोई निवेश किया है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत समाज सेवा और किताबों पर रॉयल्टी बताया है। बिहार में उनके पास पैतृक संपत्ति है, इसमें 1.5 डिसमल की गैर कृषि भूमि बताई गई है जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बता दें कि कन्हैया कुमार के पिता किसान हैं, जबकि माँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। कन्हैया कुमार साल 2019 में बेगूसराय सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने अपने हलफनामे में कुल संपत्ति 5,57,000 रुपए बताई थी। इस बार उनकी संपत्ति 8 लाख रुपए से ऊपर है, यानी करीब 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। कन्हैया कुमार ने तब भी अपनी आमदनी का जरिया फ्रीलांस राइटिंग, गेस्ट लेक्चर और किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी की रकम को बताया था। अब कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के मुकाबले पर नजरें लगी हुई हैं। 25 जून को दिल्ली की सभी सीटों की तरह इस सीट पर भी वोटिंग होगी। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।